नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाते हैं, वो भी दो सॉकेट और दो स्विच का। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मार्केट से ये परचेज़ करना है, डमी होती है इसकी, ये मिल जाती है। साथ में आपने क्या करना है, स्विच लाना है। ये स्विच है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये सॉकेट है। तो आपने देखा कि ये सॉकेट है, तो हम इसको कैसे बनाते हैं एक्सटेंशन बोर्ड को, और कैसे इसकी हम वायरिंग करते हैं, आप सभी ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो सॉकेट आप देख रहे हैं, ये इसकी डमी, इसको आपने क्या करना है, हमने पहले स्विच लगा लेते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर हम सॉकेट लगाएंगे, यहाँ स्विच लगाएंगे, फिर स्विच लगाएंगे, फिर सॉकेट लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम इससे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको हम इससे कर सकते हैं, इस स्विच से। तो हमने दोनों का पॉइंट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्विच हम सॉकेट लगाते हैं। ये सॉकेट का है, तो आप सॉकेट के हिसाब से इसमें कटिंग कर सकते हैं। तो हमने जब भी आप लगाते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अगर एक तरफ लगा रहे हैं तो इसके अक्षर जो ऊपर लिखे होते हैं सीधा है, तो सारे अक्षर सीधे की तरफ होने चाहिए। ये ना हो कि आपने बना दिया और अक्षर आपके गलत जा रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉकेट को लगाते हैं। तो हमने पहले नेट लगाना है, तो हम इसको उल्टा करते हैं, तो हम दूसरा भी लगा लेते हैं। आगे आपने अब हाथ रखना है यहाँ पर, ये बाहर निकल जाए। इसके बाद आपने यहाँ पर नेट लगाना उल्टा। ये देखो, ये नेट है, इसको हम नेट को यहाँ फंसाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। उसके बाद आप देखोगे इधर भी करना है, क्योंकि दोनों में सेम होता है। अगर आप हाथ हटा दो तो ये गिर जाएगा। तो ऐसे हमने इसको करना है, और फिर अब हम इसका भी लगा लेते हैं। स्विच अभी हमने लगा लिया है, ये स्विच है, तो हम ऊपर से यहाँ से डालते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमने डाल दिया। इसके बाद हमने इसको भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, पीछे की तरफ आपने उंगली या हाथ रखना है, जिससे ये नट गिरे ना, पीछे बैक नहीं जाए। उसके बाद आपने टाइट करना है। अब ये स्विच है, तो हम स्विच भी लगा लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, ये सीधा है, तो इसके वर्ड भी जो ऊपर की तरफ है, कृषि लिखा हुआ था, कृषि हमारा सीधा है, यही ऊपर है। ये सभी के वर्ड आपने चेक करने हैं, और फिर हमने जैसे इसको हाथ रखना है इसके ऊपर ऐसे, और फिर हमने ऐसे कर देना है, और फिर हमने क्या करना है, इस नेट को लगाएंगे। इसके बाद फिर हम इसको लगाते हैं, इधर नेट लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो नेट है, ये वाला। तो दोस्तों, आज आप सीख रहे हैं कि हम एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाते हैं, दो सॉकेट और दो स्विच। सॉकेट का हम वायरिंग भी वैसे करेंगे। इसके बाद फिर हम सॉकेट लगाते हैं, ये सॉकेट रहेगी हमारी। इसको हमने क्या करना है, फिर चेक करना है कि इसके जो वर्डिंग है, ये डाउन है, ये सीधा है। ये आपने देखा सीधा है, तो हमने इसको ऐसे ही बैठाना है जैसे सीधा है, और फिर हमने इसको उल्टा करना है। इसके बाद हमने फिर इस नट को हम लगाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ईजी तरीका है एक्सटेंशन बोर्ड का बनाने का। अब हम ये वाला नेट लगाएंगे, ये है। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं। इसके लिए आपको पेचकस की जरूरत होती है। अगर टाइट ना हो तो इसके पीछे हाथ रखना बने, क्योंकि नहीं तो नेट घूम जाता है। इसके बाद हम इसको करते हैं, ये हो गया। आपने ध्यान रखना है, जब भी हम नेट ये लगाते हैं, टाइट करते हैं, तो इसको टाइट करने का तरीका होता है। फिर हमने ये लगाया, जैसे पूरा टाइट हो जाए, फिर आप छोड़ दो।
क्योंकि नेट तो जो पीछे का जो घूम जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा ही इजी है बनाना, इसको कोई भी बना सकता है, मगर आपको पता होना चाहिए कि वायरिंग हम कैसे करते हैं। ये भी टाइट हो गया, अब ये रह गया। ये भी टाइट हो गया। ये भी टाइट हो गया, ठीक है। अब हम सीखते हैं इसकी वायरिंग। तो वायरिंग में दोस्तों क्या होता है, तो वायरिंग में हमें सबसे पहले जो तारें हैं वो छोटी छोटी करनी है इसके हिसाब से। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम न्यूट्रल देते हैं, फिर फेस देते हैं। तो न्यूट्रल के लिए क्या है, हमने यहाँ से निकाला इसको, आपने इस तार को हमेशा आगे से इकट्ठा करना है पहले हाथ से, और फिर अब उसको ऐसा लगा सकते हैं। फिर हम इसको टाइट कर देंगे। इसके बाद अब हमने न्यूट्रल लगाना है, तो हम न्यूट्रल जो लगाएंगे तो दोस्तों न्यूट्रल को हमने, ये न्यूट्रल की तार है, तो न्यूट्रल को हमने वहाँ से बाहर की तरफ से लिया अपने और यहाँ लगा दिया, ठीक है। और फिर हमने इसको टाइट कर दिया। अब एक चीज़ का ध्यान आपने और भी रखना है, ऐसे न्यूट्रल की तो हमने लगा दी, अब हमने मेन फेस भी देना है। तो मान लो अब इस तार को हमने, ये तो न्यूट्रल है, ये तार को हमने यहाँ जोड़ दिया, तो न्यूट्रल की तार आपने लगानी भी है, ये तार है, इसी में हमने तार लगानी है। सभी ने ध्यान से देखना मैं कैसे वायरिंग कर रहा हूँ। जैसे इसमें वायरिंग मैंने कर दी, ये दोनों टाइट कर, ये आगे हमारी न्यूट्रल। हमने इसके बाद इस बोर्ड को चेक भी करना है। ये तो ऐसे हमने, जैसे हमने न्यूट्रल लगाया, तो आप देख ले हमने ये न्यूट्रल की वायरिंग कर दी, यहाँ से यहाँ पहुँचा दी, ये यहाँ से बाहर से है और यहाँ से अंदर है, ठीक है। ये सॉकेट टू सॉकेट है, और ये जो तार है येलो तार है, ये आपकी न्यूट्रल की आ गई। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस तार को, अब यहां से पावर हम क्रॉस इसमें करेंगे, इसके बाद हमने आगे से आपने इसको मरोड़ लेना है, या इसको
थोड़ा वो कर लेना है सही से कि आपकी तारें आगे से फैले ना, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया। और फिर आपने इसको टाइट करना है अच्छी तरह से, ना कि टाइट, आपने प्रॉपर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही हमारी लगी फिर हमने इसको यहाँ बैठा दिया। इसके बाद इतनी तार हमने और काट ली, पहले हम यही काम कर लेते हैं। इसके बाद हमने तो दोस्तों अब जैसे हमने ये तार लगाई है, इसके बाद हम यहाँ लगा देते हैं। वो यहाँ से आएगी इस सॉकेट से, यहाँ ध्यान रखना है अपने कि जब भी आप तार लगाते हो तो आपस में टच नहीं करनी चाहिए, टच करेगी तो जल सकती है। इस चीज़ का सफाई का आपने ध्यान रखना है इसमें कि हम बोर्ड कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। इसके बाद हमने बाद में काम करूँगा, कुछ काम करूँगा बाद में। तो दोस्तों इसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने इसको दे दिया ठीक है। आपने ये भी देखना है कि आपने जिसको ये पावर दिया था, ये ना हो कि ये तार आपकी निकल जाए। जैसे ये मैंने देखा ये तार निकल रही है, इस तार को हमें छीलना पड़ेगा। इसके बाद हमने जैसे हमने दोस्तों आप सीख रहे हो कि हम कैसे वायरिंग करते हैं, मैं काफ़ी स्लो बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे अपने यहाँ से कर दी, फिर हमने यहाँ पर कर दिया इसको। तो आप देख लो कि इस तार को हमने यहाँ जोड़ दिया इसको, और अब ये रहेगी हमारे नीचे वाले, इनको कैसे करना है, इसको हमने पावर पास करना है। तो पावर पास का मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। पावर पास के लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, इसके बाद मैंने क्या करना है, जैसे चाहे आप हो कोई भी हो, इसको बनाने का जो तरीका है, हमने इसमें पावर पास करना है। तो पावर के लिए हमें कॉपर की तार चाहिए,
अब हम चाहते हैं ये जो सॉकेट है, इस सॉकेट का, इस सॉकेट के अंदर पावर है। अगर आप या इसको टच करोगे तो ये जल जाएगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और हमने इसको टाइट कर देना है। ये कॉपर की तार है, थोड़ी बड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, पावर पास के लिए होता है। और साथ में आपने क्या करना है, साथ में आपने इसको खोलना है, इसके साथ आपने दूसरी तार डालनी है। ये मेन है, ये मेन फेस आ रहा है। अब सभी ध्यान से देखेंगे, ये मेन फेस हम कहाँ डालते हैं। ये जो तार है, दोस्तों तार का अपने सबसे ध्यान रखना है कि जब आप बनाते हो तो तार आपकी बिल्कुल बैठनी चाहिए, ना कि आपने तार बना दी और आपकी तार आगे पीछे टच हो रही है, तो इसका अर्थ है कि वो आपके बोर्ड को जला सकती है। जैसे मैंने इसको ऊपर करने और ऊपर को करने कर, ये देखा, अब मैंने इसको ऐसे बैठा दिया। तो दोस्तों हमारा बोर्ड जो है बनकर तैयार हो गया है। ये है इसका न्यूट्रल है, तो इसको न्यूट्रल को हमने यहाँ लगा दिया। ये इसका है पावर पास, जिसे इससे पावर इसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है ये। और ये इसकी मेन है, ये मेन फेस है, आप देख रहे हैं मेन फेस। मेन फेस के साथ हमने इसमें पावर दे दी है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सॉकेट आपस में टच नहीं होने, अगर आपस में टच हो गए या पावर को यहाँ लगा दे तो आपका बोर्ड जल सकता है। आपने ये देखना है जहाँ पर फेस दिया है तो फेस के साथ ये आना चाहिए। इसके साथ हमने यहाँ दे दिया, इसका हमने यहाँ दे दिया, देख लो अभी भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये तार थोड़ी छोटी थी इसलिए मैंने इसको यहाँ से घुमा दिया, मगर यहाँ से गलत होता है, आप इसको यहाँ से यहाँ घुमा सकते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ, तो उससे आपका जो बोर्ड है सेफ रहता है। इसका कारण है कि वो कभी भी जले तो आपकी इस तार को न जलाए। फिर हमने इस तार को टच करना, वो टाइट करना है। आपने ये आज सीखा कि हम बोर्ड कैसे बनाते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड, सॉकेट स्विच, सॉकेट स्विच। इस सॉकेट को हमने स्विच में दे दिया, इस सॉकेट को हमने स्विच से दे दिया। तो अब हमारा जो बोर्ड है बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों एक बार आप देख ले जरा ध्यान से कैसे हमने बनाया है। और कभी भी जब आप बनाते हो तो आपने ध्यान से चेक करना है कि क्या ये आपस में टच तो नहीं कर रहा। तो आपने ये चेक करना है कि आपस में टच नहीं कर रहा, तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ तो कैसे बना है। तो ये देखो, इस तार को, ये हमारा न्यूट्रल है, ये जो आप देख रहे हैं न्यूट्रल है, इसको हमने यहाँ लगा दिया है, इस तार में लगाना है। और ये जो है हमारा, ये भी फेस का होता है, मगर ये हमारा इसको पावर देता है जब भी इसको ऑन ऑफ करने के लिए होता है। और ये जो हमारा मेन फेस है, ये आप देख रहे हैं मेन फेस है, इस मेन फेस को हमने पावर पॉस से, या पावर पॉस इसका यहाँ कर दिया हमने यहाँ, उसके बाद हमने इसका यहाँ कर दिया। अब आपने देखा कि ये जो तारे हैं आपस में, इसमें टच हो रही है, ये इसमें, ये इसकी इसमें टच हो रही है। अगर ये तारे इसमें भी टच होगी, इसमें भी टच होगी, समझ लो कि 100% आपका बोर्ड ख़राब होने वाला है, जल जाएगा, आपको लॉस हो सकता है। तो आपने ध्यान से देखना है कि कैसे हमने बनाया है। और अब हम इसको चेक करते हैं, तो इसके लिए हम होल्डर और बल्ब लाते हैं। पहले हम इसको लगा कर देख लेते हैं। अब हम इसको लगाते हैं।
तो नमस्कार दोस्तों, हमने इसको होल्डर को लगा दिया है, हमने पावर पोर्ट के साथ भी लगा दिया। हम इसको चेक करते हैं, वो होता है चलता है नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि हमारी जो लाइट है चल गई है, इसका अर्थ है कि जो हमने बोर्ड बनाया है वो बिल्कुल ओके है और बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।